दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन बोरसे। मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूं। मैं कुछ दिन सऊदी अरेबिया में रह चुका हूं, तो आज मैं आपको अरबिक कुछ शब्द के बारे में बताना चाहता हूं। पहले तो हम देखेंगे कि अरबिक नंबर्स 0 से लेके 10 तक कैसे लिखे जाते हैं और उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो देखेंगे, नंबर 1, एक को एक सीधी वर्टिकल लाइन की तरह लिखा जाता है और उसको कहा जाता है वाहिद। एक को क्या कहा जाता है? वाहिद। दो को टिल्टेड दो है वो, उसको अरबी में इतनीन कहा जाता है। अरबी में क्या कहा जाता है उसको? इतनीन। तीन भी थोड़ा टिल्टेड तीन की तरह है, 90 डिग्री में टर्न किया तो जो तीन आएगा उसको हम अरबी में तलाता बोलते हैं। तीन को अरबी में हम तलाता बोलते हैं। चार को हम एक सिग्मा जैसा है वो, जो अगर आप देखेंगे वो सिग्मा जैसा दिखता है चार, उसको हम अरबा बोलते हैं। उसको चार को अरबा कहा जाता है। पांच जो समोसे जैसा है, वो झूरो जैसा नहीं है, जैसे एक समोसे जैसा दिखता है, उसको हम खमसा कहते हैं। पांच को क्या कहते हैं हम? खमसा। तो आगे तो दोस्तों, अब देखेंगे 6 को कैसा लिखा जाता है। तो 6 को इंग्लिश 7 की तरह लिखा जाता है, 7 की तरह लिखा जाता है। उसको 6 को बोलते हैं हम सीता। 6 को क्या बोलते हैं? सीता। 7 को इंग्लिश फी की तरह लिखा जाता है और उसको 7 को बोला जाता है सबा। 7 को बोला जाता है सबा। 8 की तरफ जाएंगे, 8 को उल्टा वी की तरह लिखा जाता है, उसको तमानिया कहते हैं। 8 को क्या कहा जाता है? तमानी। 9 को क्या कहा जाता है? पीसा। और वो इंग्लिश 9 की तरह ही लिखा जाता है। अब देखेंगे 10 को कैसा लिखा जाता है। 10 वैसा लिखते हैं जैसे अंग्रेजी में एक के बाद जीरो लिखते हैं, वैसे ही अरबी में अरबी एक के बाद जीरो जीरो जो लिखा जाता है वो नीचे दिया गया जीरो को एक डॉट की तरह रहता है, लेकिन वो डायमंड शेप में डॉट रहता है। जीरो को कहा जाता है सीपर। और एक और जीरो जिसको हम 10 बोलते हैं, 10 को अरबी में अशरा कहा जाता है। 10 को क्या कहा जाता है? अशरा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बार हम बाहर जाते हैं और जो लोकल लोग रहते हैं वो अरबी में बात करते हैं, तो कुछ शब्द हमें पता होने चाहिए जिसमें हमें थोड़ा समझने में दिक्कत ना आए। तो हम किसी को मिलते हैं तो हम उसको हेलो कहते हैं, तो अरबी में उसको कहा जाता है मरहबा। उसको कहा जाता है मरहबा। अगर कोई आपको कोई चीज़ ऑफर करता है और आपको वो चीज़ लेना नहीं है, ना नहीं कहना, लेना नहीं है आपको, ना कहना है, तो उसको अरबी में कहते हैं ला। ला का मतलब नहीं। ला अरबी में क्या कहते हैं उसको? ला। ला का मतलब नहीं। जैसे कि हिंदी में हम धन्यवाद जो थैंक यू कहते हैं उसको हिंदी में हम शुक्रिया कहते हैं, अरबी में वैसा सिमिलर शब्द वहाँ पे है, उसको वो थैंक यू को शुक्रान कहते हैं। उसको कहते हैं शुक्रान। पुलिस को अरबी में सुरता कहा जाता है। पुलिस को अरबी में सुरता कहा जाता है। और पासपोर्ट ऑफिस को जवाजात कहा जाता है। अगर हम जवाजात ऑफिस कहेंगे तो उसको मकतब जवाजात या मकतब अल जवाजात ऐसा कहा जाता है। तो और कुछ शब्द हम देखेंगे। यूनिवर्सिटी को अरबी में जामिया कहा जाता है। जैसे कि जामिया शाकरा का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ शाकरा। ऑफिस को अरबी में मकतब कहा जाता है। ऑफिस को अरबी में
क्या कहा जाता है, मकतब। और किताब जो बुक्स रहता है उसको हिंदी जैसा ही किताब कहा जाता है, और लाइब्रेरी को जहाँ पे बुक्स रहते हैं उसको मकतबा कहा जाता है। कार को सैयारा कहा जाता है। तो ये थे कुछ अरबिक शब्द, आपने सीख लिए होंगे। तो मैं जल्द ही नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक थैंक यू, शुक्रान।